हेलो फ्रेंड, मैं नीरज आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। पिछला वीडियो में हमने न्यूमेरिकल तौर पे देखा था, इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल वैल्यू के ऊपर देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अपना वी वन है, ये वी टू है और ये वी थ्री है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए दोस्तों, कैसे सॉल्व करते हैं। उससे भी पिछला वीडियो में बताएं कि लीनियर इंडिपेंडेंट क्या है, लीनियर डिपेंडेंट क्या है। खैर, वो वीडियो आप नहीं भी देखें तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपना देखिए, सिंपल सा लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए ए वन बी वन तीन है यहाँ पे, तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं अपन। फिर देखिए अगला स्टेप में क्या करना है, इसको ए वन इंटू यहाँ पे बी वन क्या है, बी वन है आपका बी वन है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए टू इंटू बी टू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन प्लस ए थ्री इंटू बी थ्री, बी थ्री क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ सिंपल सा, अब देखिए एक्स क्यूब वाला टर्म को एक साथ करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए ए वन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट में आएगा ए वन प्लस ए थ्री इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, पहला ये टर्म आया इस तरह, फिर आपका एक्स स्क्वायर वाला आएगा तो उसमें भी ए वन, तो यहाँ पे टू ए वन है, टू भी है साथ में, तो टू ए वन यहाँ पर माइनस ए टू। ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है माइनस ए थ्री। ठीक है, आएगा इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस, इसमें तो नहीं है एक्स का टर्म, यहाँ पे है तो थ्री ए टू प्लस टू ए थ्री इंटू एक्स, और इसके बाद यहाँ पे प्लस ए टू प्लस सॉरी माइनस ए थ्री, ए थ्री माइनस है यहाँ, ये माइनस है। ठीक है, माइनस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए इस जीरो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, तो जीरो को हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं, जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अब कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, क्योंकि जीरो एक्स क्यूब मतलब क्या है, जीरो ही है, तो कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ए वन प्लस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, पहला इक्वेशन। टू ए वन माइनस ए टू माइनस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, दूसरा इक्वेशन। थ्री ए टू प्लस टू ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, तीसरा इक्वेशन। चौथा इक्वेशन ए टू माइनस ए थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो भाई यहाँ से अपना चौथा इक्वेशन से क्या आ जाएगा, ए टू इज इक्वल टू ए थ्री। अब पहला इक्वेशन से अपना यहाँ पर क्या आ रहा है, पहला इक्वेशन से, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से आपका ए वन ए थ्री, ए थ्री इज इक्वल टू माइनस ए वन। ठीक है, ए थ्री इज इक्वल टू माइनस ए वन आ गया। अब देखिए आपको ए थ्री का ए टू भी है माइनस ए, इसको आप ए थ्री, ठीक है, ए थ्री का वैल्यू क्या है, ए टू है, ए थ्री इज इक्वल टू ए टू है, इसको अगर आप इस वैल्यू में भेज देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखिए ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, थ्री ए टू प्लस टू ए टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि ए थ्री जो है वो ए टू ही तो है, तो अब यहाँ से देखिए ये फाइव ए टू इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो ए टू इज इक्वल टू जीरो, ए टू इज इक्वल टू जीरो है तो ए थ्री इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। अब ए थ्री इज इक्वल टू जीरो है तो ये जीरो हो गया, तो इस तरफ तो ए वन भी ए वन ऑल्सो इक्वल टू जीरो हो गया,
अब सिंस ए वन इज इक्वल टू ए टू, या देयरफॉर यहाँ पर होगा सिंस लिखना, या सिंस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस ये जीरो हो गया तो अपन वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए वन इज इक्वल टू ए टू, देयरफॉर ए वन इज इक्वल टू ए इक्वल टू ए थ्री इज इक्वल टू जीरो, हेंस लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके आंसर, अगर ये जीरो ना आता ये सब, ठीक है, और सेटिस्फाई होता नहीं फिर, तो हम क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन अपना क्वेश्चन ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।